सिर चुकाई बैठी 17 साल दी इह नाबालग कुड़ी उस दिन नूं रो रही है जदों अजिहे पिता दे घर इसने जन्म लिया जिस पिता ने अज इसकी आबरू नूं तार तार कर दिता। एक वैशी पिता जिसने अपनी हवस मिटाउण दे लई अपनी धी नूं ही नहीं बख्शिया। अद्धी अद्धी रात नूं सुत्ती पई इस धी नूं जगा के इस दे नाल दुष्कर्म किया जाता रहा। एक बार नहीं सगो एक तो ज़्यादा बार इस कुड़ी नूं अपनी हवस का शिकार बनाने वाला प्यो अपने ही मुंडे नूं भी धमकियां देंदा रहा कि जेकर उसने किसी नूं दस्या तां उह खुद मर जाएगा अते कुड़ी नूं भी मार देवेगा। भरा दियां अखां दे विच हंजू सी, दिल दे विच गुस्सा सी, पर उह कुछ नहीं कर सकिया। घर दे विच रहिंदे इह तीन जाने जदों प्यो ने देखिया कि कुड़ी रात नूं इकल्ली नीचे आउंदी है पानी पीण, तां उस समें इस कुड़ी नूं हवस दा शिकार बनाया गया। अपनी भैण दियां चीकां सुन के जदों भरा आया तां उस नूं वी धमकाया गया। इह वैशी प्यो इत्थे ही नहीं रुकिया, इस तों बाद इस कुड़ी दे नाल दूजे दिन वी इही कुछ कीता गया। सुत्ती पई कुड़ी नूं उठा के उस दे नाल दुष्कर्म कीता गया। जदों इस तों वी उसका दिल ना भरिया तां फिर किसी होर मुंडे दे कोल इस कुड़ी नूं उसने भेज दिता। इस कुड़ी दी किस्मत अजिही है कि जिस मुंडे दे नाल प्यो ने भेजा वह मुंडा कहण नूं तां इस कुड़ी दा मित्र सी, पर उसदे वल्लों भी इस कुड़ी दे नाल वैशियाना हरकत ही कीती गई। दुष्कर्म करन तों बाद अज इस कुड़ी दी हालत अजिही होई पई है कि वह अपना दुख बोल के किसी नूं बयान तक नहीं कर सकती। इस सारे मामले नूं देखदे हुए इस कुड़ी दी माँ दे वल्लों अपने ही पति दे लई सख्त तो सख्त सज़ा की मांग कीती जा रही है। पत्नी दे वल्लों अपने शब्दों दे विच दस्या गया कि वह घर दे विच किन्नी ज़्यादा दुखी सी ते हुण उसका पति दे नाल बिल्कुल भी मोह नहीं रहा। वह चाहती है कि अजिहे दरिंदे प्यो नूं सख्त सज़ा मिले अते नाल ही उस व्यक्ति नूं भी जिसने उन्हां दी धी दी जिंदगी खराब कर दिती है। ये सारी खबर सामने आ रही है मोगा तो। क्यों कुड़ियां ते धीआं नूं सिर्फ हवस मिटाउण दे लई ही एक वस्तु समझिया जांदा है। मोगा दे विच कलयुगी पिता दे वल्लों शर्मसार कर देण वाली घटना सामने आई है। जेकर हुण धीआं दे नाल भैणां दे नाल भरा ते पिता ही अजिहियां हरकतां करनगे तां फिर उह आखिरकार जाण किधर। अपनी ही कुड़ी दे नाल दो वार दुष्कर्म करन वाला यह पापी प्यो, जिस तों बाद उसने अपनी कुड़ी नूं किसे होर मुंडे तक भेज दिता। दुष्कर्म करन तों बाद इस कलयुगी पिता ने लड़की दे ही दोस्त दे कोल कुड़ी नूं भेज दिता अते प्यो तों बाद फिर उस दोस्त ने भी कुड़ी दे नाल दुष्कर्म किया। लड़की दे बयानां ते पिता अते उसदे दोस्त ते कई तरहां दे तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दस दिए कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित लड़की की माँ ने कहा कि कानून मेरे पति अते दूसरे दोषी नूं सख्त तो सख्त सज़ा दवे तां जो मेरी कुड़ी नूं इंसाफ मिल सके, किसी उम्मीद दे नाल उह जी सके कि यह दुनिया जीण दे लायक है। पीड़ित नाबालग लड़की ने अपने बयानों दे विच दस्या कि उह 9वीं क्लास पास है, उसका पिता मेहनत मजदूरी का काम करता है। कुड़ी ने दस्या कि असी 3 भैणां अते 2 भरा हाँ, मेरे माता पिता अलग अलग रहिंदे ने। मैं अते मेरा छोटा भरा अमनदीप सिंह पिता दे कोल रहिंदे हाँ। अते पीड़ित लड़की ने दस्या कि 15 तरीक दी उह काली रात जदों मैं अते मेरा भरा मेरे पिता असी छत ते सुते हुए सी, रात दे करीब 11 बजे दा समां जदों लाइट चली गई तां मैं नीचे पानी पीण लई आई, मेरे मगर मेरा पिता भी आ गया। मेरे पिता ने मेरे कपड़े उतार के मेरी मर्जी दे खिलाफ़ मेरे नाल गलत काम किया। मेरिया चीकां मारन ते मेरा भरा भी छतों हेठां कमरे दे विच आ गया। मेरे पिता ने मैनू अते मेरे भरा नूं जानू मारन दीआं धमकियां दे के बहुत डराया, फिर मेरा पिता छड के चला गया। मैं अते मेरा भरा बहुत डरे होण करके किसी नूं अपनी हड बीती नहीं दस सके। पर अगले 2 दिनां बाद एक रात नूं मैं नीचे कमरे दे विच सुत्ती पई सी। सोण दे समय ही उसका पिता रात 1 बजे फिर आया अते उसकी मर्जी दे खिलाफ गलत काम किया। कुड़ी दे वल्लों दस्या गया कि 17 तरीक नूं मेरे पिता ने गुलाब सिंह पुत्र महिंदर सिंह वासी बलराज नगर बठिंडा जिस दे नाल मेरी दोस्ती है उसनों घर बुला के उस दे नाल भेज दिता। गुलाब सिंह मैनू अपने घर बठिंडा विखे लै गया जिथे उसने भी मेरे नाल मेरी मर्जी दे खिलाफ दुष्कर्म किया।
एक मासूम कुड़ी दी यह इन्नी दर्द भरी कहानी है जिथे वह किते भी सुरक्षित नहीं सी। हर समय उस दे नाल की हो रहा सी देखण वालियां नूं इसदा अंदाजा भी नहीं हो सकता सी। वह कुड़ी अपने घर दे विच रहिंदे होए किन्नी ज़्यादा असुरक्षित सी। सौंदे होए रात दे समय किवें उसका पिता दरिंदियां दी तरह आउंदा सी अते उसनूं एक वस्तु समझदे होए अपनी हवस का बार बार शिकार बनाउंदा रहा। इस सारे मामले में जो पुलिस के कोल पहुँचाया गया तो पुलिस ने हुण तक की कार्रवाई की है वो तुहानूं दस दिंदे आं। दर्द अपने तन ते अते मन ते हुण तक हंडाया सिर्फ इस करके क्योंकि वह एक कुड़ी सी उस घर दे विच जिथे उसका प्यो अते भरा रह रहे सी। भरा कुछ नहीं कर सकिया अते पिता ने वह किया जो कदे सोचा भी नहीं जा सकता सी। आओ सुनते हैं उस कुड़ी दे माँ दे वल्लों हुण तक की कुछ दस्या गया। ते बेटी मेरी आदे पापा कोले सीगी। हाँ जी, उदू बाद 14 तरीक नूं ते 15 नूं ते 16 नूं ठीक है प्यो ने बुला। उस तो बाद जी कुड़ी दी बाँह गुलाब सिंह नूं फड़ाई गई है, प्यो ने फड़ाई है जी। पिंडां तों जाणदे गुलाब सिंह? हाँ जी, मेरी मेरी बेटी जी उत्थे तागा मिल च लगी सीगी ते सिर्फ 10 तरीक नूं गई आ ते अगली 10 नूं उहदी भैण ने उत्थों गैब करती कुड़ी गुलाब सिंह दी ने ते सानू 10 दिन कुड़ी नहीं दित्ती उहनां ने। उत्थे रही फिर गुलाब सिंह कोले? हाँ जी, ते मैं सारा बठिंडा साण मारिया ते मैंने उस तों बाद जदों वोटां तों एक दिन पहलां 19 तरीक नूं ते उहनां ने सानू थाने च लिया के कुड़ी फड़ाती ਬਠਿੰਡੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆਈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਵੋ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਦਲਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂਗੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਜੀ ਦੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਨੰਬਰ FIR ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ 15-5 ਨੂੰ, 16-5 ਅਤੇ 17-5 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17-5 ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਲਰਾਜ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਆ? ਲੜਕੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਲਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਰੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਜੀ, 6-376 ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ ਅਤੇ 506 ਲਗਾਈ IPC ਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ IO ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।